एक गाय को चारों ओर से घेरने वाले हिंसक भेड़ियों, कुछ तो वीरता की मर्यादा को मान दो। यदि अपने बल पर इतना ही अभिमान है तो एक एक करके मेरे सामने आओ, आओ। अपने वाक के पहाड़ और चितवन चढ़ाकर हमें अपने रूप माधुरी से मोहित मत कर। तेरे रूप और सौंदर्य का यौवन पान हमारे असुराधिपति को करना है, इसी कारण हम तुझे जीवित पकड़ने हेतु विवश है। हे दुष्ट, तूने दुर्मुख और प्रधान मौत्य को धोखा दिया, अब तू हमें मूर्ख नहीं बना सकती। वीरो, इसे गृत की तरह झपट कर पकड़ लो और बंदी बना लो। निर्लज पापियों सावधान, तुम्हारे कुकृतियों का अंत आ गया है। पापाचारियों, तुम्हारे बोझ से धरती त्रस्त हो चुकी है। शीघ्र ही धरती की धूल तुम सबका रक्त पीकर अपनी तृष्णा बुझाएगी। हे कुल माता दिति, जब आपने हमें अपने प्रतिशोध के रूप में जन्म दिया है तो फिर आज आप हमें क्यों रोक रही हैं? हे पुत्र, भला कोई वंश माता अपने समूचे वंश वृक्ष को अपने नेत्रों के सामने भस्मीभूत होते कैसे देख सकती है? मेरे अपने कुल रूपी उपवन के तुम असर पौधे हो। मैं अपनी बगिया को उजड़ते नहीं देख सकती, इसलिए मुझे अपने पति कश्यप की सेवा से विमुख होकर यहां आना पड़ा है। वह देवी जिसने मेरे वीर पुत्रों को मार गिराया, असुरों की संहार शक्ति है। महेश, मेरी प्रार्थना सुनो और शेष बचे वीरों को युद्ध में जाने से रोक दो। ये सब असुर बाल हैं, किसके आश्रय में जिएंगी? महेश, मेरी प्रार्थना सुनो, इन सब को लेकर तत्काल पाताल लोक चले जाओ। पाताल लोक चले जाओ महेश, पाताल लोक चले। ऐसे अप्रिय वचन
असुरों की कुल माता को कदापि शोभा नहीं देते, और फिर गौरवहीन असुरों को देखकर आपको भी कभी शांति नहीं मिलेगी। पुत्र, जब खेत चलने लगता है ना, तो किसान कृषि की नहीं उसके बीज की रक्षा की चिंता करता है। बीज बचा रहेगा तो कृषि पुनः लहला उठेगी। पुत्र, मुझ कुल प्रथा की याचना सुनो। मैं तुम्हारी आदि जननी हूं, इस नाते तुम्हारे समक्ष झोली फैलाकर खड़ी माता को वचन रूपी वरदान दो। तुम मेरे इस वंश वृक्ष को नष्ट नहीं होने दोगे, नष्ट नहीं होने दोगे पुत्र, नष्ट नहीं होने दोगे। हे असुर कुल की आदि जननी, आज प्रथम बार इस दुर्दांत विभीषिका के रूप में आपने महिषासुर को दर्शन दिए हैं। मुझ अभागे ने तो अपने जन्म के पश्चात अपने माता पिता का मुख भी नहीं देखा, परंतु आपने प्रकट होकर इस करुण याचना के रूप में कठोर आज्ञा दे डाली। अतः इन समस्त असुर स्त्रियों के साथ इन शेष बचे असुर पुत्रों को लेकर आप तत्काल पाताल लोक चली जाएं। और इन्हें पाताल लोक में तपस्यारत रक्त बीज को सौंप दें। मैं इन्हें पाताल लोक जाने की अनुमति देता हूं। नहीं स्वामी, ऐसी कठोर आज्ञा हमें मत दीजिए। हमें पाताल लोक जाने के लिए विवश न करें स्वामी। हम आपको इस विपदा में अकेला छोड़कर कैसे जा सकते हैं स्वामी? हाँ हाँ, कैसे जा सकते हैं? असुर वीरो, हम तुम्हारी स्वामी भक्ति से आत्मविभोर हुए, परंतु जाओ और वंश माता दिति को संतुष्ट करो। माता दिति ने वंश बीज के रूप में तुम्हारे प्राणों की याचना की है, इसलिए तत्काल इनके साथ पाताल लोक चले जाओ। ये दानवराज महिषासुर का आदेश है। नहीं माते, चाहे सूर्य पश्चिम से ही क्यों ना उदय होने लगे, रात्रि दिवस में ही क्यों ना परिवर्तित हो जाए, परंतु महिषासुर के आगे बढ़े चरण कदापि पीछे नहीं हटेंगे। हे माते, मैंने आपका मान रखकर आपके असुर वंश को नष्ट होने से बचा लिया, परंतु अब मुझे अपने कर्तव्य का मान रखना है। मुझे इन चिताओं पर जल रहे वीरों का ऋण उतारना है। कृपया मेरे युद्ध उन्माद में अब और विघ्न न डाले। आपका स्वार्थ सिद्ध हो चुका, अब मुझे अपना स्वार्थ सिद्ध करने दीजिए। प्रणाम माते। नमस्तुते नमस्तुते नमस्तुते।